नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। इस रैकेट के जरिए 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के हवाला ट्रांजैक्शन का पता चला है। रैकेट में कई चीनी नागरिक, उनके भारतीय सहयोगी, बैंक कर्मचारी आदि शामिल थे। आयकर विभाग ने इस मामले में चीन के कुछ लोगों और उनके भारत में सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की है। आयकर विभाग की टीम ने दिल्ली, गाजियाबाद समेत कई अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया। कहा जा रहा है कि छापेमारी की कार्रवाई में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चला है कि चाइनीज लोगों के कहने पर करीब 40 बैंक अकाउंट डमी इकाइयों के नाम पर खुलवाए गए। इन अकाउंट्स पर करीब 1,000 करोड़ रुपए क्रेडिट किया गया। CBDT ने मंगलवार शाम को बयान जारी कर बताया कि चीनी कंपनियों की सहयोगी कंपनियों और इससे जुड़े लोगों ने फर्जी कंपनियों से भारत में रिटेल शोरूम खोलने के नाम पर 1,000 करोड़ रुपए के फर्जी एडवांस लिए थे। CBDT ने कहा कि सर्च ऑपरेशन पुख्ता जानकारी के आधार पर चलाया गया, जिसमें कहा गया था कि कुछ चाइनीज नागरिक और उनके भारतीय सहयोगी फर्जी कंपनियों के सहारे मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला कारोबार में शामिल है। कुछ बैंक अधिकारियों पर भी छापेमारी की गई है। बयान में कहा गया है कि छापे की कार्रवाई में बैंक कर्मचारियों और चार्टर्ड अकाउंटेंट की सक्रिय संलिप्तता से हवाला लेन देन और मनी लॉन्ड्रिंग के संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं। जांच में अमेरिकी डॉलर और हांगकांग में ट्रांजैक्शन किए गए हैं। फिलहाल तमाम पहलुओं की गंभीरता से जाँच की जा रही है। बता दें कि पूर्वी लद्दाख में सीमा पर तनाव के बाद भारत सरकार चीन के खिलाफ नकेल कस रही है। सरकार ने चीन के कई ऐप पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। कई सेक्टर में चीनी कंपनियों के टेंडर रोक दिए गए हैं। यही नहीं, आम लोग भी काफी संख्या में चीनी प्रोडक्ट्स का बहिष्कार कर रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।